हाँ जी गाइस, CNG गाड़ी लेनी है और बूट स्पेस से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो ये न्यूज़ आपके काम की तो बहुत है। और एक चीज़ और भाई, मतलब ह्युंडई के अब ऐसे दिन आ गया कि वो टाटा को फॉलो करने लगी है। तो पहले अपन ने एक न्यूज़ पढ़ी थी, देखी थी कि भाई ह्युंडई की एक्सटर में डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, मतलब कि दो CNG टैंक पीछे देने लग गए थे जैसे टाटा वाले देते थे, ताकि आपका बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाओ और आपका बूट स्पेस भी बना रहे और CNG भी लग रहे। तो ऐसे ही टाटा को देखते हुए ह्युंडई ने ग्रैंड आइटन नियोस में डुअल सिलेंडर CNG के दे दिए हैं। किसी ने ग्रैंड आइटन नियोस CNG में बुक भी कर रखी हो तो अभी रुक जाए 10-15 दिन, क्यों अपना सिंगल सिलेंडर वाली लो, डुअल वाली लो, कम से कम आपको बूट स्पेस तो मिल जाएगा। तो गाड़ी के सारी डिटेल बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ दो ही वेरिएंट में आती है i10 नियो CNG में, मैगना और स्पोर्ट्स। बेस में नहीं आती, टॉप एस्टा में नहीं आती, तो सिर्फ दो में ही आती है, मैगना और स्पोर्ट्स में, ठीक है जी। और फ्रंट की बात करते हैं भाई, फ्रंट में अपना LED DRLs आ जाती है और हेडलाइट अपना प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आ जाती है, ठीक है। और आगे बस लोगो है क्रोम में और ग्रिल है अपनी ब्लैक कलर में, ठीक है जी। साइड की बात करते हैं भाई, 15 इंच के डुअल टोन स्टील व्हील्स आ जाते हैं और ये बाहर आपको एलॉय व्हील दिख रहे होंगे लेकिन ये कवर हैं भाई, ये ह्युंडई और किया वाले ऐसे ही दूर से दिखते एलॉय हैं लेकिन हैं ये इनके कवर, ठीक है। 15 इंच के डुअल टोन स्टील व्हील्स हैं और ORVM पे इसके इंडिकेटर आ जाते हैं और डोर हैंडल और VM बॉडी कलर है, ठीक है जी। और अगर आप बात करें भाई रूफ़ पे, तो रूफ़ रेल्स दे रखी है, ये ऐसी डम्मी टाइप स्पोर्टी लुक के लिए है, मतलब काम की नहीं है कुछ, ठीक है जी। रियर लुक में सबसे पहले आप देखोगे तो भाई कनेक्टेड LED टेल लाइट्स है, लेकिन ये भाई ओनली डम्मी है, सेंटर में कोई इल्यूमिनेट वगैरह नहीं होती, ओनली डम्मी है, ठीक है। आफ्टर मार्केट आप करवा सकते हो, बट ये ऐसे इन्होंने कनेक्ट कर रखी है, कोई इल्यूमिनेट वगैरह मतलब चस्ती वगैरह नहीं है, ठीक है। और पीछे शीशे पे देखोगे तो भाई CNG का बैज मिल जाएगा और डीफोगर आ जाता है गाड़ी में, ठीक है। अब बूट्स पे, बूट की बात कर लेते हैं, तो आप देखो जो चीज़ टीज की गई है कि बूट स्पेस भी पूरा है, CNG का बैज भी लगा हुआ है, मतलब कि डुअल टैंक ह्युंडई वालों ने भी दे दिया जैसे कि एक्स्टर में आया था, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसकी सेल बूस्ट हो जाएगी बहुत। एक चीज़ जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मेरे को लग रही है अब, कि भाई इन्होंने CNG टैंक डुअल देने के चक्कर में स्टपनी गाड़ी से हटा दी है और सिर्फ पंचर किट आपको मिलेगी। तो गाड़ी में आपको 4 ही टायर मिलेंगे, स्टपनी नहीं मिलेगी। कल को आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आपके पास पंचर किट है, आपको रास्ते में खुद पंचर लगाना पड़ेगा, ये है स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। इंटीरियर की बात करते हैं भाई, इंटीरियर में डुअल टोन थीम में अपना इंटीरियर आ जाता है, बीज कलर की सीट्स हैं और सारा मतलब ब्लैक कलर के गेट्स वगैरह हैं और बीच कलर की सीट है, ठीक है। और अगर आप बात करें भाई फ्रंट में, तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ, अपना मैनुअल AC आ जाता है और पीछे भी आ जाते हैं, रियर वेंट्स भी हैं और कीलेस एंट्री आ जाती है गाड़ी के अंदर, और 6 एयरबैग आ जाते हैं, TPMS आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आ जाता है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाती है, और रियर सीट पे भाई डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप भाई पावर ट्रेन की, मतलब कि अपने इंजन डिटेल्स की बात करते हैं अब। तो इंजन भाई 1.2 लीटर पेट्रोल प्लस CNG आ जाता है, 1200 cc का इंजन आ जाता है। पावर की बात करें तो 69 PS की पावर है और टॉर्क 95 Nm का टॉर्क है, तो CNG गाड़ी के हिसाब से ठीक है। और अपना 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आ जाती है, ऑटोमेटिक में नहीं आती है CNG, ठीक है। और लास्ट में आप बात करते हैं भाई इसके प्राइस वगैरह की, तो प्राइस इसका एक शोरूम भाई स्पोर्ट्स वेरिएंट का 8,30,000 है, ऑन रोड अलग अलग होगा हर जगह। और इसके राइवल्स की बात करें तो भाई मारुति की स्विफ्ट हो जाती है इसकी राइवल, और इनकी खुद ही एक ह्युंडई एक्स्टर है वो भी है, ठीक है। टाटा पंच मैं राइवल में इसलिए काउंट नहीं कर रहा क्योंकि टाटा पंच का कंपैरिजन होता है अपना इससे, ह्युंडई एक्स्टर से, ठीक है। तो i10 को आप टाटा पंच से कंपेयर नहीं करते, यूट्यूब वाले पता नहीं किस किस को कहाँ कंपेयर कर देते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं करेंगे। जो इसके असलियत में राइवल हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भाई बस यही न्यूज़ थी, बताओ न्यूज़ कैसी लगी। और अगर आपने बुक करा रही है तो थोड़ा दिन रुक जाओ, तो ये डुअल सिलेंडर वाली लेना आपके लिए बेस्ट रहेगी। और भाई अपना सेकेंड हैंड सेल परचेज का काम है भिवानी हरियाणा में, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप कोई भी क्वेरी हो कॉल कर सकते हो।